मैडम कनीज फातिमा के नेतृत्व में महात्मा गांधी विकास योजना के तहत 1.5 करोड़ का ये बीटी रोड जो है एसटीबीटी से लेके नेहरूगंज तक है। अब फिलहाल एसटीबीटी से लेके चाचा होटल तक ये कंटिन्यू रहेगा और चाचा होटल का ने जो ड्रेनेज का काम होगा या वो लिहाजा बारिश के बाद चालू करेंगे। और मैं तमाम लोगों से ये एरिया के लोगों की तरफ से मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने ये काम सेंक्शन कराया है। आज जो हुआ है वो वर्क के इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आए हैं फराजुल्ला साहब, आदिल सुलेमान सेठ, शफी गुंडीगर साहब, अहमद साहब, और ये काम जो कर रहे हैं सिराजुद्दीन पटेल साहब कर रहे हैं। और मैडम इंस्पेक्शन के लिए आए थे, सब ऑफिसर्स भी हैं, वो पूरा इंस्पेक्शन हो गया और जल्द से जल्द करने का उनको ये कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दिए हैं, वो भी क्योंकि बारिश के दिन आने वाले हैं, आने वाले दिनों में जल्द से जल्द वो ख़त्म होगा। मैं फिर से मैडम कनीज फातिमा का, आदिल सुलेमान सेठ का, फराजुल इस्लाम साहब का, मैं सब ऑफिशियल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे एरिया के तमाम लोगों के तरफ से शुक्रिया। संतरासवाड़ी में मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा 1.5 करोड़ का काम गांधी महात्मा गांधी योजना के तहत काम बीटी का चल रहा है और मैडम कनीज फातिमा साहिबा इस रोड का इंस्पेक्शन करने आए हुए हैं। पूरे ऑफिशियल्स हैं, हमारे लियाकत पटेल साहब हैं और लॉकडाउन में मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा गुलबर्ग के तकरीबन वार्ड में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जैसा कि वार्ड नंबर 13 में हिताय चौक को और जैसा कि आप देख रहे हैं मोमिनपुरे में, सब में बड़ा कारनामा है वो मैडम कनीज फातिमा साहिबा का, जो 450 की यूजीडी लाइन डाले जा रही है वो भी 2.5 करोड़ का काम चल रहा है वो, और ऐसा तकरीबन नॉर्थ के हिस्से में डेवलपमेंट का काम और जो भी कोविड का जो मामला है हर चीज़ हर तरीके से मैडम कनीज फातिमा साहिबा बढ़ चढ़ कर काम ले रहे हैं। हम उनके वर्कर हैं, अब मैडम की जो टीम है वर्कर जितने भी हैं हमारे, हम हर फील्ड में हर तरीके से मैडम के साथ हैं और लोगों के काम कर रहे हैं। हम हर तरीके से मैडम का डेवलपमेंट काम इतना हो रहा है आप देख सकते हैं, जा कर के हर एरिया में कोई काम ऐसा नहीं बचा है। आप रिंग रोड के उधर जाएंगे तो आप पहचान नहीं सकेंगे कि हम जीडीए में है क्या बोलकर, यूजीडी ओपन ड्रेन रोड और ये रोड भी पूरा यहाँ से लेकर गंज तक जाने वाली है। मुस्लिम चौक से आप देख सकते हैं कि यूजीडी का काम चल रहा है, रोड तोड़ी हुई है वो, लिहाजा बारिश के बाद इंशाल्लाह वो रोड पूरा सेटअप होने के बाद वहाँ से फिर गंज तक का काम होगा। और ऐसे ही तकरीबन और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे काम हैं, ये कंटिन्यू चल रहे हैं क्योंकि अब ये कोरोना का मामला है इसलिए मैडम ज़्यादातर वो हेल्थ को तवज्जो दे रहे हैं, उसमें काम लगे हुए हैं। ये काम हम वर्कर हैं, इसको हम देखते रह रहे हैं, उनके हमारे निगरानी में सबके काम हो रहा है, इसकी सुपरविजरिंग हम कर रहे हैं। मैडम उनके हमारे कायद हैं, हमारे फराजुल इस्लाम साहब हैं, आदिल सुलेमान सेठ हैं और अहमद साहब हैं, अहमदुल इस्लाम साहब हैं, मज़र आलम खान हैं, ये पूरे लोग ये हमारे लीडर हैं, हम वर्कर हैं, उनके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, उन फील्ड में लगे हुए हैं और हम इधर सोशल मीडिया में नहीं आ रहे थे। और वाहिद अली फातेह खानी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन हैं, ये पूरे हमारे लीडर्स हैं, हम वर्कर हैं, इनके लिए हर तरीके से हम काम कर रहे हैं क्योंकि आजकल क्या हो गया मीडिया में, कुछ भी करो मैडम को हम ये करें वो करें बोलने वाले लोग हैं, बोलते रहते हैं, काम करने वाले को ही बोला जाता है, दूसरे को नहीं बोलते हैं। मैडम के साथ कौम है, साथ में थी, साथ है और साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और हमारा पूरा का सपोर्ट और इस पूरे महल्ले वाले की तरफ से मैडम का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।